अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर, टू डेवलप दैट कैरेक्टर। हाउ मेनी चैलेंजेस वी हैव as a human being, as a believer, and as a professional in our environment, at home, when we are working professionally. So we need to learn certain traits, certain skills, how to apply them at home as well as in our professional life. So the starting point when we talk about developing our character, that is developing gentleness, narmi, rifq. So this is one of the key to good character, that you should be gentle. Why? That's the question which we are going to address. So rifq is ra fa kaf, that is to give advantage to someone, like you give space to someone. A lot of time when we are interacting with people and someone says something to us, or there is a certain behavior we face, we are not happy about that behavior, और वी आर नॉट हैप्पी अबाउट द वर्ड समवन अटर्स, तो हमारे अंदर एक बड़ी नेगेटिव वेव आती है, हमें बहुत बुरा लगता है, एंड देन वी वॉन्ट टू ऑब्वियसली टेक अ स्टैंड फॉर आर सेल्व्स। एंड नाउ वी आर लिविंग इन दीज टाइम्स वेन पीपल हैव टोल्ड अस दैट इफ यू टॉलरेट समवन्स रिमार्क, समवन्स एक्शन, दैट मीन्स यू आर नो गुड, यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रिफ क्या है, कि आप दूसरे को थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। किसी का नाम भी होता है रिफ का, और रफीक कहा जाता है फ्रेंड को, और फ्रेंड्स भी हमारे लिए बहुत जेंटल होते हैं। तो व्हाट इज जेंटलनेस? दिस इज समथिंग वेयर यू हैव एक्सेलेंट मॉरल, यू हैव अ काइंड बिहेवियर, एंड यू आर वेरी पोलाइट एंड अप्रोप्रिएट इन योर स्पीच। सो विद दिस विंडो वी कैन एनालाइज आवर सेल्व्स के हमारा बिहेवियर कैसा होता है, अगेन एट होम, अगेन विद सीनियर्स, जूनियर्स, एंड स्पेशली आवर पेशेंट्स। बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट में एज प्रोफेशनल जो सबसे ज्यादा हेल्पलेस होते हैं लोग, वो हैं हु आर डिपेंडेंट ऑन अस। जैसे आपका पेशेंट, उसको आप पे जितना भी गुस्सा आएगा वो बर्दाश्त करेगा जब तक उसकी बस ना हो जाए, क्योंकि उसको ये पता है कि इस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देनी है। हम उनके साथ डिस्कर्टियस हों, बदतमीजी करें, रूड हों, उनको एटीट्यूड दें, दे विल स्टिल टॉलरेट इट। इसी तरह से एक और शख्स जिसके साथ वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट इफ वी आर जेंटल, जो हमारे जूनियर होते हैं, लेट्स से यू आर HOD, मंडे यू आर गोइंग टू बी HOD, or you are assistant professor, associate professor, you are registrar, you are examiner. So you have that status ki aapse junior jo hai, aap uske sath jaisa marzi attitude rakhe. Isi tarah between doctor and nursing staff, to doctor samajhta hai ki I have a right to say anything to the nursing staff. Wahan pe bhi is baat ko practice karne ki bahut zyada zarurat hai. सैयदना जुरैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नरमी से महरूम किया गया वो खैर से महरूम किया गया। ही हु इज डिप्राइव्ड ऑफ जेंटलनेस इज डिप्राइव्ड ऑफ गुडनेस। वी ऑल वांट गुडनेस इन लाइफ, सो समटाइम्स द गुडनेस इज नॉट कमिंग टू अस बिकॉज ऑफ आवर ओन बिहेवियर। हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं। वी कैन से द सेम थिंग बट विद द राइट बिहेवियर। A very difficult trait to practice, especially when people around us don't understand. Maslan aap dekhein ke as a professional, ab aap hospital mein kaam kar rahe hain during the period of COVID. Mere liye sabse bada challenge ye tha hospital mein kaam karte hue ki tamam attendants ko ye batana ki aapne mask pehenna hai, aapne SOPs follow karne hain, और पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स आपको ऐसे देखते हैं कि यू आर स्पीकिंग इन एलियन लैंग्वेज, कि ये क्या बात है, व्हाई डू वी हैव टू वेयर मास्क।
इसी तरह से पोस्ट सर्जरी, अब आप सोचें कि वहां पे कोई पूरा गांव आके बैठ गया है। आपने कहा हुआ है कि जी सर्जरी के फौरन बाद एक या दो लोग हों, लेकिन वहां पर तकरीबन 15, 20, 40, 50 लोग बैठे हुए हैं और बिरयानियां और पुलाव खा रहे हैं। आप उनको रोक रहे हैं कि जी आप निकलें, आप यहाँ नहीं रुक सकते। वो कह रहे हैं जी बस 5 मिनट, बस 10 मिनट। और कुछ लोग इतना एटीट्यूड देते हैं और वो लड़ाई करने पे आ जाते हैं। या ये कि आप उनको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और वो आपको पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। आपने 10 मिनट की ब्रेक ले ली है टू हैव अ कप ऑफ टी और रेस्ट, और आपको वो नॉक करते जा रहे हैं डोर पे कि जल्दी देखें, और कुछ भी नहीं है। 15 साल पुरानी बीमारी उन्होंने अब उनको आपको बतानी शुरू की। अगेन, जो बहुत डिफिकल्ट एरिया होता है जहां पे हाउ कैन यू बी जेंटल, आपकी नाइट ड्यूटी है और यू आर डीलिंग विद सो मेनी इमरजेंसीज, सो मेनी सिक पेशेंट, और 4-5 पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं टहलते हुए, हम गुजर रहे थे, हमने सोचा यहीं पे अभी चेकअप करा दें। ये बात चांद रात पे, ईद पे, रोजों में बहुत होती है और आप एग्जॉस्टेड होते हैं बियॉन्ड योर रिसोर्सेज। अब उस टाइम पे इंसान कैसे जेंटल हो, यू नो, बर्नआउट आपका इतना ज्यादा है। या ये कि आपके अपने घर के चैलेंजेस हैं, आपके अपनी पर्सनैलिटी के चैलेंजेस हैं, आप उस दिन बहुत वैसे ही परेशान हैं किसी और बात पे, और वो जो पेशेंट है वो आपसे 2-3 सवाल पूछता है, तो आपके लिए डेफिनेटली उसको, उस पर हैंडल करना, उस पर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हदीस से हमें ये पता चलता है कि मोमिन की मिसाल एक ऐसे पौधे की तरह है, जब हवाएं आती हैं तो उसको हिलाती रहती हैं, यानी वो टूटता नहीं है, वो स्टिफ नहीं होता, वो कंडीशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू एड्रेस फॉर आर सेल्व्स, व्हाई वी आर नॉट एबल टू बी जेंटल, व्हाई वी आर सो डिसकर्टियस, हम क्यों नहीं अपने अंदर ये मिजाज लेकर आते एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे का ख्याल करना। कोई बात कहनी है, चाहे वो बात अच्छी नहीं भी है, लेकिन अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ कहना। व्हाई दिस कम्स सो डिफिकल्ट टू अस, दिस इज अ गेम ऑफ ईगो। असल प्रॉब्लम हमारी बाहर नहीं है, इट्स नॉट दैट पीपल आर बैड, इट्स जस्ट दैट देयर इज समथिंग इनसाइड अस व्हिच डजंट लेट अस डू द राइट थिंग। सो इफ यू नो हु यू आर, देयर इज नो नीड टू ट्राई एंड कन्विंस अनदर पर्सन हु यू आर एंड वट यू स्टैंड फॉर। मुझे तुमने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जूनियर हो के कहा, मरीज हो के कहा, आ जाते हैं मुंह उठा के और ऐसी बातें करते हैं। डॉक्टर तुम हो या मैं हूं, तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है, एग्जाम में पास होना है कि नहीं होना है। यू नो वी आर लाइक सो इनसिक्योर अबाउट 100 थिंग्स। अगर आप इनसिक्योर नहीं है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई आके ये भी बता देगा ना कि फलां ने आपके बारे में ये बात की है, आपकी ड्यूटी चेंज हो गई है, और पता है किसी ने लेग पुलिंग की है, कोई पॉलिटिकल गेम खेली है जिसकी वजह से ये हुआ है, इट वुडेंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। माई ईगो शुड नॉट बिकम अ बैरियर फॉर मी। पेशेंट्स कई दफा इतना मिसबिहेव करते हैं, इतना मिसबिहेव करते हैं, यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू दैम, और इवन सम कुलीग डज दैट। लेकिन उस टाइम पे आप अपने आप को बताते हैं दिस शुड नॉट बिकम एन ईगो मैटर फॉर मी। हाँ, उस मसले को जरूर हल करना है। सो नो दैट योर ईगो इज एवरी बिट एज अब्यूसिव एज अनदर डैमेजिंग इंडिविजुअल। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों अपोलोजाइज करूं, मैं हाउ डेयर समवन से समथिंग। हिम्मत कैसे हुई फलां शख्स की ये बात कहने की? ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सो योर ईगो लव्स टू ट्रिक यू इन टू थिंकिंग दैट यू कैन विन एन आर्ग्यूमेंट, दैट यू कैन कन्विंस इट एंड रिजॉल्व द इशू, एंड दैट यू विल रिसीव पीस आफ्टर हैविंग द स्ट्रगल विद योर सेल्फ। कहता है ठंड पड़ गई अंदर, इतनी मैंने उसको सुनाई है ना, मैंने सीधा कर दिया सबको, अब उसे पता चलेगा, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी। बात तो ये है कि आप जेंटल रहें और फिर भी किसी की हिम्मत ना हो आपको कुछ कहने की। इसीलिए मैं कहती हूँ, हर वक्त हम देखते हैं कि हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वी आर नॉट हैप्पी,
हम घर में हैं, वी आर नॉट हैप्पी, तो हाउ कैन यू थिंक प्रॉपरली, मेक अ डायग्नोसिस, ट्रीट योर पेशेंट्स, और जब आप थके हुए काम से घर आते हैं तो आप अपने घर वालों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता जब आप चिड़चिड़े हैं, आपसे चीज़ें नहीं हैंडल हो रही हैं. तो जब हम जेंटल नहीं हो पाते तो वी हैव टू लुक एट आवर ईगो, बिकॉज दैट इज अ बिग सेबोटाजर. आवर ईगो इज पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी दैट लव्स मैन्युफैक्चरिंग लेस देन एक्सपीरियंसेस. वो हर बात पे हमें बताता है कि क्या हमारी जिंदगी में कमी रह गई, और फलां शख्स को क्यों नहीं पता चला कि मैं कितनी बड़ी चीज हूं. आवर ईगो फीड्स ऑन फियर, डाउट एंड पेन. अगर आप किसी चीज के बारे में फियरफुल होंगे, अपने पोजीशन के बारे में, जैसे आप देखें ना कि सीनियर एक होता है हमारे डिपार्टमेंट में, वो क्यों जूनियर के साथ मिसबिहेव करता है, वो एक बात आराम से भी कह सकता है. उसको ये फियर होता है कि इसका पार्ट वन पार्ट टू क्लियर हो गया और इसकी कोई अप्रोच हुई, इसने मेरी जगह के बैठ जाना. और हम ये भी देखते हैं कि एक जूनियर होता है, जब वो अपना पार्ट वन पार्ट टू कर लेता है तो वो सीनियर को कोई वैल्यू नहीं देता. यू माइट हैव सेम डिग्री और यू माइट इवन हैव अ बेटर डिग्री, बट देर इज नो मैच फॉर द एक्सपीरियंस. जो सीनियर आपका है वो आपसे एक्सपीरियंस में फिर भी बहुत ज्यादा है. मैंने बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स देखे हैं जिनको छोटी छोटी चीजें नहीं करनी आती, इसलिए कि वो पढ़ते रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू मैनेज स्मॉल थिंग्स अराउंड द पेशेंट. दूसरा, व्हेन यू हैव डाउट, ऐसे पेशेंट के साथ आप बैठे हुए और आप डाउटफुल हो गए हैं, ये मेरी इंस्ट्रक्शन को सही फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, अब वहां पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, वहां पे आपकी जेंटलनेस जाएगी, वहां पे आपका ईगो आपको कहेगा तुम ही रहेगी उनको बार बार एक्सप्लेन करने वाली. इसी तरह पेन, समवन हैज हर्ट यू, यू हेयर समवन टेल यू फला तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, वो ना नर्सिंग स्टाफ बैठी हुई थी, उसने तुम्हें देखकर ना मुंह बनाया था, अब आपका ईगो आ जाएगा. आम सड़क पे भी जो रोड रेज होता है वो इसी तरह का होता है. जरा सी किसी की गाड़ी हल्की सी लगी, एक ने बोला सॉरी, अब उसने सॉरी बोला है पहले जेंटलनेस से बात की है, जो गाड़ी में लगा जिसको लगी है उसने छह सुनाई, इसने फिर एक दफा बोला सॉरी जी गलती से लग गई, इसने और सुनानी शुरू की, ये नहीं कहा ओके इट्स ओके कोई बात नहीं, हो ही जाता है. अब क्या कर रहा है वो जो दूसरा शख्स है जिसकी गाड़ी लगी है, वो बोलता ही जा रहा है. उसको क्या हुआ है? उसको फियर आया है, उसको पेन आई है कि अब मेरे पैसे लगेंगे, और उसको डाउट भी आएगा पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, मैकेनिक के पास जाएंगे तो क्या होगा. अब वो इंसान जो पहले दो दफा तीन दफा सॉरी बोल रहा है, थोड़ा शर्मिंदा हो रहा है कि उससे गाड़ी लग गई, अब वो क्या करता है? अब वो भी फिर गाड़ी से उतर के लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको भी पेन फील हुई, उसको भी फियर हुआ कि हैं मैं सॉरी बोल रहा हूं, अब ये मुझसे कोई 8-10 हज़ार ना ले ले, मैं भी अब चढ़ाई करता हूं. तो ये ईगो की बैटल जो है ना वहां पे शुरू हो जाती है. सो द मोर वी अटैच आवर सेल्फ टू आवर ईगो थॉट्स, द फर्दर वी मूव अवे फ्रॉम आवर सोल ट्रूथ. हाउ डू वी हैंडल दिस ईगो, कैसे इस चीज से अपने आप को बचाएं? वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ईगो वर्क्स. पहला काम जो ईगो करती है वो बार बार पास्ट एक्सपीरियंसेस को रीप्ले करती है. इसने मुझे ये भी कहा था, पेशेंट्स होते ही ऐसे हैं, फलां पेशेंट पहले भी आया था वो भी ऐसे ही कर रहा था. पेशेंट सारा दिन ये बात करते हैं डॉक्टर ऐसे होते हैं, और उनकी भी ईगो जो है वो इन्फ्लेट होती है. कई दफ़ा होता है कि आप पेशेंट देख रहे हैं तो कोई नर्सिंग स्टाफ आके या कोई और डॉक्टर आपको कुलीग आके कह देता है सो एंड सो पेशेंट्स आर वेरी फसी, बस हमने वो सुन लिया ना, अब हमने कहा इनकी तो बात ही नहीं सुननी ना, क्योंकि ये बहुत फसी लोग हैं, ये तंग करते हैं बात बात पे. हालांकि पेशेंट्स हैव अ राइट कि अगर उनको कोई चीज़ तंग कर रही है वो पूछें. सो वो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको वो रीप्ले हमारे माइंड में करता रहता है, और इट कम्स आउट एज एन एक्चुअल ड्रामा. जैसे ड्रामे की पूरी पिक्चर बन जाती है वैसे बनती है. वी स्टार्ट जजिंग द सिचुएशन, वी बिकम वेरी जजमेंटल. इतना बड़ा मसला होता नहीं है लेकिन हम उसको बहुत बड़ा मसला बना देते हैं, और बहुत सी ऐसी लड़ाइयों में और मिसबिहेवियर्स में ये बात अल्टीमेटली सामने आती भी है कि इतनी बड़ी बात थी नहीं, एंड अल्टीमेटली वी टेक दोज मैटर्स वेरी पर्सनली. हाउ जेंटलनेस विल डिफीट द ईगो. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नरेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु सेड,
whenever gentleness is added to something, it adorns it. And whenever it is withdrawn from something, it leaves it defective. जिस चीज में नरमी होती है उसे जीनतदार बना देती है और जिससे निकाल दी जाती है उसे ऐबदार बना देती है. आप देख लें, वी ऑलवेज लाइक टू स्टिक टू जेंटल पीपल, वी डोंट लाइक हार्श पीपल. घर में भी, फैमिली में भी हो, कई दफा बच्चों के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप इसलिए अच्छे नहीं होते. बच्चे कहते हैं कि मसलन हमारा फादर या मदर, दे आर वेरी स्टिंजी इन देयर बिहेवियर, हार्शली बात करते हैं, हमने नहीं बात करनी. बच्चे भी कई दफा ऐसे करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं तो पेरेंट्स को भी दुख होता है. देन द पेरेंट्स दे ऑल्सो की मेंटेन देयर डिस्टेंस विद द किड्स. मतलब पेरेंट्स सिर्फ ये पूछ रहा होता है, बेटा क्या हाल है, क्या कर रही हूं, देख नहीं रही, खाना खा रही हूं. या हम एटीट्यूड देते हैं खाना खा रही हूं, हम आराम से भी कह सकते हैं. हम ये नहीं समझते कि व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट रिमार्क. एक तरफ से हमारी कंप्लेन होती है कि हमारे घर वाले हमसे बात नहीं करते, कोई रिलेशनशिप नहीं. और अगर वो बात करने के लिए कोई एक जिसे कहते हैं कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कोई बात शुरू करते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है कि मैं तो अपनी स्क्रीन टाइम पे बैठी हुई थी और ये क्यों मुझसे बात करना शुरू हो गए. पेशेंट्स डोंट लाइक टू गो टू दोज डॉक्टर्स हु आर हार्श इन देयर बिहेवियर. वो हमेशा उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो अच्छी तरह उनकी बात सुनता है. प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि वी डोंट मूव ऑन, वी डोंट क्रिएट न्यू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस. हम ना अपने बिहेवियर्स को चेंज नहीं करते. जितना आप अभी स्टूडेंट लाइफ में वर्क करेंगे उतना आपको आगे फायदा होगा. सो आवर ईगो क्लिंग्स टू इनजस्टिस एंड क्रिएटिंग इनजस्टिस. सारा दिन हमारी ईगो में बताती है कि तुम्हारे साथ घर से लेकर कॉलेज, पेशेंट्स, सीनियर्स, टीचर्स, हर जगह तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है और तुम उसके लिए कुछ करो. अब आप सोचें, अगर हर इंसान ऐसा ही सोचेगा, फील करेगा, तो फिर क्या होगा? दोनों तरफ से आग बराबर लगी रहती है. सो समटाइम्स इन्फ्लेटेड ईगो डज नॉट अलाउ पर्सन टू बी जेंटल. सूरह शोरा की वर्स नंबर 215 आती है, वहफिज जनाहक लिमन तबअक मिनल मोमिनीन, और ईमान वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें इनके साथ तवाज़ो से पेश आओ. हम उनको अपने परों के नीचे लें. और स्पेशली एज अ प्रोफेशनल, जब हमारे पास पेशेंट आता है, जैसे कोई लैब रिपोर्ट दिखा रहा है, कोई डायग्नोसिस का वेट कर रहा है, इवन आप टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, यू हैव टू नोटिस द लेवल ऑफ एंजाइटी इन देयर बॉडी लैंग्वेज एंड इन देयर आइज. और वो वेट कर रहे होते हैं कि आप अब इनको कुछ बताएंगे. एंड वी डोंट इवन हैव टू वर्ड्स टू अटर टू देम. हम दो लफ्ज भी नहीं बोलते. हम अपने फ्रेंड जो साथ बैठे हों, कुलीग्स बैठे हों, उनसे गपशप लगा लेते हैं, लेकिन उस पेशेंट को नहीं बताते कि आपकी रिपोर्ट ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है. या अगर कुछ रिपोर्ट में आया तो हम उनको ये नहीं कहते कि हाँ ये कंसर्न की बात है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और आप अभी फिक्र नहीं करें, लेकिन हम इसको देख रहे हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए. यू नो, टू वर्ड्स, जेंटल वर्ड्स कैन रिलीज लॉट ऑफ इमोशन दैट दे हैव. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेन वी टॉक टू द फैमिली मेम्बर्स वी एक्सप्लेन टू दैम प्रॉपरली. जब भी हम जेंटलनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंपेरिजन आता है कि इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देर इज सो मच वर्क लोड, पेशेंट्स भी एजुकेटेड नहीं होते, और जब हमें उनके साथ जेंटलनेस को प्रैक्टिस करना होता है, दैट बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. लाइक इफ यू हैव अ लाइन ऑफ 200 पेशेंट्स इन योर ओपीडी और आपने वो देखने हैं, और उधर से वहां पे आपको कोई कह रहा है कि जी आप ये काम ऐसे करें और इस चीज को ऐसे देखें, चीजें भी पूरी नहीं है, पेशेंट भी इतना एजुकेटेड नहीं होता, और उनके साथ 10-10 लोग हैं और वो सब जानना चाह रहे हैं अलग अलग, एक पहले आता है फिर दूसरा आता है फिर कुछ कोई कुछ पूछता है, उनको समझ भी देर से आती है. इन कंपैरिजन हम देखते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो उन्होंने फी भी ज्यादा लेनी है, उन्होंने एक्सप्लेन भी अच्छी तरह करना है, तो शायद इस वजह से ये चीज आ जाती है. बट मुझे एक चीज ये लगती है कि दिस इज ऑल्सो आवर नेचर, वी कुड बी जेंटल एनीवेयर इन एनी सिचुएशन. सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि जहां पर रश ज्यादा है तो वहां पर कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, जहां पर रश कम है वहां पर हमने कैसे उसको प्रैक्टिस करना है. लैंग्वेज का इस्तेमाल हर जगह एक ही जैसा होना चाहिए. सूरह अल-माईदा में वर्स नंबर 54 में आता है, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, जो मोमिनों पर नरम और कुफार पर सख्त होते हैं. इसमें यह बात नहीं हो रही कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम, नॉन बिलीवर बैठा है तो आप उससे बदतमीजी से बात करें.
इसमें एक एटीट्यूड की बात हो रही है, एक असर्टिवनेस की बात हो रही है। हमारे साथ क्या होता है, यानी अगर हमें स्पेस शेयर करनी है तो हमारा कोई बिलीवर है साथी, तो हम उसका ख्याल नहीं करते, और अगर कोई फॉरेनर आ जाता है तो आप देखें हम कैसे बिच बिच जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके बहन भाई ने, आप कोई चॉकलेट खा रहे थे, वो आपसे मांगी और आपने कहा नहीं मैं क्यों तुम्हें दूँ। कजन आ गई, हमसाया आ गया, कोई और आ गया, तो उनको खुद ऑफर कर रहे हैं, आंटी ले लें, तुम ले लो, खा लो, और जो घर में अपने साथ है उसको हम देने के लिए तैयार नहीं होते। सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग गिवन टू अस ओवर हियर। इट्स नॉट लाइक वी हैव टू बी अनकाइंड टू पीपल अराउंड, बट हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, जो बिलीवर्स हैं, हम उनके साथ अपना एटीट्यूड क्या रखते हैं। और ये इसलिए कहा गया है कि इज्जत इन अलल काफिरीन, कुफार के साथ सख्त हो कि हम उनसे इस तरह इंप्रेस ना हो जाएं कि हम उनके पूरे कल्चर्स को अडॉप्ट करें। इस वक्त हमारी प्रॉब्लम ये है ना, हम उन्हीं की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उन्हीं की तरह ड्रेसअप होना चाहते हैं, उन्हीं की तरह घर में क्रिसमस ट्री रखना चाहते हैं, उन्हीं की तरह सारे इवेंट्स जो हैं सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी ना। तो बात यहाँ पे ये बताई जा रही है, मेंटेन योर आइडेंटिटी एंड देन डेवलप योर रिलेशनशिप, बिकॉज जब हम आइडेंटिटी लूज करते हैं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह इस हदीस में क्या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी खानदान के लिए भलाई चाहते हैं तो उसमें नरमी डाल देते हैं। तब हम कहते हैं मेरे खानदान में तो कोई नरम नहीं है, सब एक दूसरे पे चीखते हैं, तो व्हाट अबाउट मी, कैन आई प्रैक्टिस इट एट होम, आई एम द वन हु इज लर्निंग इट, नॉट माई फैमिली मेंबर सिटिंग ओवर हियर। सो माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज बी जेंटल टू एल्डर्स एज वेल एज यंगस्टर्स। अगर आप ये बात अपनी लाइफ में रख लें तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। दो काम आप कर लें, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। एल्डर्स, आपसे जो लोग भी उम्र में बड़े हैं, दे कुड बी पेशेंट, दे कुड बी टीचर्स, कुलीग्स, इवन गार्ड्स, बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देम। जब आप वॉक इन करें उनको सलाम करें, उनके लिए दरवाजा खोल दें। तो वो कोई चीज लेके जा रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, बहुत हैवी है, उनसे लेकर उनको हेल्प कर दें, फैसिलिटेट कर दें। कई दफा पेशेंट के साथ, या पेशेंट खुद एल्डरली होते हैं, या पेशेंट के साथ कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो एल्डरली होते हैं, और वो कई दफा बार बार बातें पूछते हैं, उनको थोड़ी इज्जत देना, उनसे अच्छी तरह बात करना, उनका लिहाज करना। जब आप ये करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टीचर्स अपने जो हैं, जहां पर भी हैं, जिन जिन से आपने पढ़ा है, आप पास कर गए उनका एग्जाम, उनकी रिस्पेक्ट करना। आप अपने टीचर्स की जेन्युइनली रिस्पेक्ट करेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली जेंटलनेस आएगी। बिकॉज जो हमारे एल्डर्स होते हैं ना, वो कई दफा ऐसा बिहेवियर रखते हैं जो हमारे लिए टॉलरेट करना मुश्किल होता है। दे कीप रिपीटिंग थिंग्स, और समटाइम्स दे से थिंग्स विच आर मिसप्लेस्ड, या थोड़े बॉसी हो जाते हैं। तो जब आपको पता है कि मैंने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ जेंटल होना है, तो फिर ये होगा कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये टॉलरेंस आएगी। हाउ टू प्रैक्टिस दिस। दूसरा है बच्चे। किड्स आर ऑलवेज गोइंग टू गिव यू हार्ड टाइम, किड्स वुड वॉन्ट टू हैव देयर ओन वे। तो घर में जैसे बच्चे होते हैं, नेफ्यूज, नीसेस, कजन्स, इवन बहन भाई कई दफा होते हैं, हम तो हर 10 मिनट बाद कहते हैं इनको ले जाएं मेरे कमरे से बाहर, निकलो मेरे कमरे से बाहर, खबरदार मेरे कमरे में कोई बच्चा आया। या ये कि कहीं हम काम कर रहे हों और बच्चे कहीं वहां पे हों, तो हम उनसे उनको बर्दाश्त नहीं करते। फैमिली के बच्चों के साथ, आपके पेशेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, हम कहते हैं बीबी पकड़े अपने बच्चे को, साइड पे करें इसको, और वो बच्चा हमें इतनी मासूमियत से देखता है, इतना उसका दिल टूट जाता है कि हम कैसे उससे बात कर रहे हैं ना। या ये कि हम उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर हम कहते हैं मैं तो आई वाज जस्ट किडिंग एंड जोकिंग। हम ये नहीं सोचते कि इसके कितने बुरे इम्प्रिंट्स बच्चों पे रह जाते हैं। तो जेंटलनेस, प्रैक्टिस इट विद किड्स एज वेल। जेंटलनेस के लिए हमारा हमारा परसेप्शन क्या है, द मोमेंट समवन सेज प्लीज बी जेंटल, हम समझते हैं दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू बी मीक, दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू बी डोरमैट, जो मर्जी मुझे बुलडोज करके चला जाए। जेंटलनेस मीन्स यू यूज गुड वर्ड्स, यू यूज गुड बॉडी लैंग्वेज, बट यू से व्हाट हैज टू बी डन। व्हेन सम पेशेंट वॉक्स इन माय क्लिनिक विदाउट मास्क, सो आई जस्ट लुक एट देम, आई स्माइल एंड आई से आपको मास्क पहन के अंदर आना होगा। ओहो जी 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 मैंने मास्क नहीं पहना। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप जाइए और मास्क पहन के आ जाइए। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगी तमीज नहीं है, पता नहीं है, मुंह उठा के आ जाते हैं, मास्क नहीं पहन सकते, सारी दुनिया में बता रहे हैं,
मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप टीवी देखते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, जी, तो SOPs तो भी है ना, मास्क के लिए कहा जा रहा है ना कि पहनना चाहिए, हाँ, जी, कहा जा रहा है, तो प्लीज आप पहन के आ जाए. देर आर टाइम्स वेन आई एम प्रेइंग, जोहर की नमाज पढ़ रही हूं और बाहर से दरवाजा करके नॉक कर करके, और बाहर एक दूसरे कोई बता भी रहे उनको कि डॉक्टर साहब शायद नमाज पढ़ी. अच्छा, नमाज पढ़ी, एंड आई एम फ्यूमिंग एंड बॉइलिंग इनसाइड नमाज पढ़ते पढ़ते भी, कि भी वो बोल भी रहे हैं, और कोई इमरजेंसी भी ऐसी नहीं है, बच्चा हंसता खेलता साथ अंदर आ रहा है. एक तो इंसान कहता है कोई इमरजेंसी है, 6 दिन से बीमार है जी, चेक कराना था. तो मैं पूछती हूँ कि आप बाहर थे, जी. तो मैं कहती हूँ देखिए, आइंदा जब आप चेक करेंगे तो असूल ये होता है कि एक दफा हम करते हैं और दो दफा करते हैं कि शायद हमसे एक दफा सही नहीं खुला, उसके बाद नहीं करते, उसके बाद थोड़ा वेट करते हैं. जी, करेंगे. थोड़ा सा अपने अंदर ना सब्र लाना सीखें. अब मेरे भी अंदर से जज्बात बहुत भड़के होते हैं, बट देन आई टेल माई सेल्फ कि दिस इज द राइट वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल, सो आई कैन नॉट बी डोर मैट. जब मैं क्लासेस लेती हूँ, अगेन आई डोंट वॉक आउट, समटाइम्स स्टूडेंट्स मिसबिहेव. मैं बदतमीजी से नहीं किसी से बात करना पसंद करती, लेकिन मैं एक क्लियर मैसेज देती हूँ. सो ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेंटलनेस एंड बींग अ डोर मैट. जब हमें ये डिफरेंस अच्छी तरह से पता होगा तो फिर कोई हमें मिसयूज नहीं कर सकता. आपके बहन भाई ने आके कहा कि ये काम कर दो, आप नहीं करना चाह रहे, तो आप उन्हें आराम से कह सकते हैं आई एम सो सॉरी, दिस वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी. ये कहने की जरूरत नहीं है, जाओ निकलो, खुद कर लो, तमीज नहीं है, मैं क्यों करूं, तुमने कौन सा मेरा काम किया था. वी डोंट हैव टू से दैट, वी कैन जस्ट से आई एम सो सॉरी, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट. यूज जेंटल वर्ड्स इवन वेन यू हैव टू से नो टू एनीवन, इट कुड बी पेशेंट. लोग उसको भी मिसबिहेवियर लेते हैं, उन्होंने बदतमीजी की. क्या बदतमीजी की? चीखा नहीं, डांटा नहीं, गाली दी नहीं, धक्के देके निकाला नहीं. क्या बदतमीजी की? इनकार किया. बिकॉज हम सबके माइंड में ये कि कोई इनकार भी कर रहा है तो वो जी बदतमीज है, लेकिन उसने वर्ड्स कैसे यूज किए, किस तरीके से बात की है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो पावर इन जेंटलनेस इज यू गेट पीपल्स अटेंशन, इट इज रेडिकल एंड आवर अनटैप्ड पावर एंड पोटेंशियल अंडर अल्लाहज कंट्रोल. हम अपने आप को बहुत ज्यादा इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन पाते हैं. कीप वॉच ऑन योर वर्ड्स, योर टोन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ईगो एंड बींग अ डोर मैट इन ऑल द सिचुएशंस, इन योर प्रोफेशनल एनवायरमेंट, इन योर होम डोमेस्टिक एनवायरमेंट. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.